अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां शासन द्वारा निःशक्त बच्चों को प्रोत्साहित और शारीरिक मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विकलांग दिवस के उपलक्ष्य में मार्तन स्कूल खेल मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मेहंदी पेंटिंग के साथ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां भारी संख्या में जिले भर के सभी विकास खंडों के विकलांग छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आइए दिखाते हैं छात्रों के लिए आयोजित कार्यक्रम और सुनाते हैं पूरे मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने क्या कहा है। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, छोटी सी प्यारी पर पीड़न में जो रस लेता उस नर को अधिकार है। मेरा नाम सानिया खान है। मैं राजानी स्कूल पढ़ती, मैं कक्षा 8 पढ़ती हूँ। कैसा लगा आपको डांस करते हुए? अभी नहीं करे। कौन सा डांस करने जा रही हैं? वो छम 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 करेंगे। आपने डांस किया, बहुत अच्छा किया। क्या बोल रहे हैं? डांस किया, कैसा लगा आपको? मुझसे बोलो, बोलो अच्छा, बोलो ना अपने मुझसे। अच्छा लगा, बढ़िया डांस था। विकलांग दिवस में कार्यक्रम हो रहा है, क्या कार्यक्रम किया है? ये रीवा जिले से किन्नौर विकास खंड से सभी सीनियर सिटीजन बच्चे आए हुए हैं और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं इसमें, जैसे दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता और मेहंदी प्रतियोगिता। अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है, इसमें रीवा जिले के सभी 9 विकास खंड से सेलेक्टेड सीडब्ल्यूएसएन बच्चे आज विश्व विकलांग दिवस पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है। नाम बता दें। डॉक्टर संजय सक्सेना, TPC रीवा। नमस्कार रीवा, मैं हूँ भानु पंडित और मैं हूँ अनीता भट्ट और हम आ रहे हैं आपके शहर रीवा 11 दिसंबर 2022 कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक सुरों की महफिल सजाने जिसका नाम है उड़ान शाम गजल, एक शाम सूफी संगीत के नाम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। तो हम चाहते हैं कि आप सभी आए वहाँ पे इस संगीत में शाम का हिस्सा बनने के लिए। और हम दोनों स्पेशली थैंक्स बोलना चाहते हैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की तरफ से अनामिका शुक्ला जी का, जिन्होंने हमें रीवा शहर आमंत्रित किया। तो सी यू ऑल दैट।